ये देखो मेरा बेटा, ये अपना प्रदीप है। बुआ जी, पार्वती, इसे पहचाना, ये अपना नंदू। नंदू 6 साल में कितना बदल गया है। अब चलो, आओ चलो, चलो। आओ आओ पार्वती, बैठो। तुम बड़े अच्छे समय पर आ गई। आजकल यहाँ मेला लगा हुआ है, हम रोज रात को रामलीला देखने जाते हैं। मैं आज ही अपनी बहन पार्वती को रामलीला दिखाने ले जाऊंगा। आप क्यों बैठो। चलो टांगे वाले, नंदू तुम भी बैठो। हाँ जल्दी करो। हाँ यही है रामलीला। ठाकुर जी नमस्ते। अरे नमस्ते करो, ये है ठाकुर जी, इस बस्ती के बहुत बड़े रईस। और ये इनकी बहू है। ये मेरी छोटी बहन है पार्वती, आज ही गांव से आई है। और ये शंकर चाचा की बहन, मेरी बुआ जी। आओ बहन, साथ ही बैठकर रामलीला देखेंगे। चलो कौन है ये? मेरे पति। अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हारा अपराध? कहो देवी, क्या अपराध हुआ है तुमसे? क्षमा करो महाराज, क्षमा करो, ये मेरी पत्नी है, इसका अपराध मैं बताता हूँ। कहो। रात भर बाहर रहने के कारण मुझे इसके चरित्र पसंद है। पर महाराज, सतमासिक के उत्सव के कारण मैं सारी रात महल में रही। ये महल में रही या कहीं और? मैं तो इतना जानता हूँ ये रात भर घर से बाहर रही। मैं ऐसी औरत को स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु महाराज, इसने अपनी पत्नी को निकालते समय ऐसी भयंकर बात कही जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कहो क्या कहा? महाराज अभयदान मिले तो कहूँ। ये राम राज है, निर्भय होकर कहो। महाराज इसने कहा, मैं राम नहीं हूँ जिसने महनो रावण के पास रहने वाली सीता को स्वीकार कर ली। तुमने ऐसा कहा? ये मैंने ही नहीं महाराज, प्रजा के मन की बात। प्रजा के मन की बात? प्रजा के मन की बात? महारानी प्रजा के माता के समान होती है,
अगर प्रजा ये कलंक मेरे माथे पे लगा रही है तो मैं उसे अपनी संतान का लगाया हुआ कलंक नहीं मुकुट समझकर अपने सर पे रखती हूँ। मेरा न्याय किया जाए, जब तक न्याय नहीं होगा उस समय तक के लिए मैं सिंहासन छोड़ती हूँ। नहीं सीते, इतिहास में श्री राम के न्याय पे कोई उंगली उठाए इसे मैं सहन नहीं कर सकती। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक मैं तपोवन में रहूंगी। सीते, 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 सीते। कहाँ जा रही हो बहन, और नहीं देखोगी? नहीं बहन, मुझसे रामविलाप नहीं देखा जाएगा। अच्छा अच्छा, शंकर चाचा, तू इन्हें चाचा कहता है? ये तो महापापी है, चल। नहीं बुआ जी, अपने शंकर चाचा तो बहुत अच्छा आदमी है। छी, सती सीता पर कलंक लगाने वाला क्या अच्छा आदमी हो सकता है? आप बेकार नाराज हो रही हैं, ये सब तो रामायण में लिखा है। मेरे सामने तो आप ही ने कहा, क्या पता आपके विचार भी ऐसे हो। ये बात तो है, वो तो भगवान राम थे, चाहते तो माफ भी कर देते, लेकिन मैं इंसान, मैं तो इस बात को मानता हूँ कि औरत एक पवित्रता की मूर्ति होती है, अगर उस पे किसी की बुरी नजर भी पड़ जाए तो वो कलंकित हो जाती है। इंसान है तो भगवान से डरिए, क्या पता कल आपके साथ ही ऐसा हो जाए। हो जाए तो मैं ऐसी पत्नी को कभी स्वीकार न करूं, बल्कि मेरा बस चले तो अपने हाथों से उसका गला खोल दूं। बड़े बोल का सर नीचा होता है। क्या देख रहे हो आप? चल प्रदीप। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये पाप कलंक सब बेकार की बातें। इन मामूली से बातों पर कोई पत्नी को घर से निकालता है? अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गया, नई आई लगती है इस बस्ती में, कौन है आप? एक लड़की हूँ, दिखता नहीं?
जमाने में दो चीजें हैं बुरी, एक मोहब्बत की, एक मोहब्बत की नजर, दूजे दूजे छुरी। इस जमाने में मत मानना उस्ताद, इस छोकरी ने तो तुम्हारी तिग्गी झाड़ दी। मैं तो कहता हूँ बारो बोरिया बदना, ये पानवा नहीं बिकने देगी, चलो अपने गांव जौनपुर। अरे ये हमें क्या जौनपुर पहुंचाएगी, हम एक बलोचिस्तान भेज दे आप। नीचा देख नीचा, पकड़ेगा तो जिधर दुकान है उधर भी पकड़ेगा। खगड़िया से बाहर न निकलो, हमार नाम भी छैला है छैला, और मेरा नाम भी लैला है लैला। ले आओ बच्चू, एक 10 रुपया 20 जितने के भी आए, 4 चक्कू ले आओ। चका चक्कू? खूब बढ़िया, मत फिराओ, उस्तादी टुकड़ा है जो देख लिया हम भी। पिताजी, आपको तो वही कहना है जो हर रोज कहते हैं। तुम्हारी बहन ने कुछ नहीं खाया, तुम्हारी बीवी सावित्री तुम्हारे इंतजार में भूखी बैठी है, और ये कि जवान बेटे से आपको कोई सुख नहीं मिला। नहीं बेटा नहीं, भला इतना बड़ा झूठ मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मुझे तुमसे कोई सुख नहीं मिला। Ha 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 ha
ये सावित्री जी, आपको भी कुछ कहना है क्या? पति भगवान होता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है, शिकायत नहीं। तुमने तो बिल्कुल सती सावित्री वाली बात कही। काश मैं सत्यवान होता। तुम्हारे साथ आज वो नई लड़की कौन थी? वही जिसने बालों में बड़ा सा फूल लगाया था। गोविंद की बहन। बड़ी नशीली आंखें हैं उसकी। गांव की लड़की बहन समान होती है। ठाकुर हरिनाम सिंह के यहाँ सिर्फ एक लड़का पैदा हुआ है और उसकी सिर्फ एक बहन। आज 10-15 से कम लेकर नहीं आना। अच्छा चलो आसन पहला। चलो एक पान भी ना ही बिकने देगी। भाई छैला 20 पान लगा। देखा, अरे छैला की दुकान है, हमारे हाथ का लगा एक दफा जिसके मुंह लगा, समझ लो दिन में 6-6 डेरी उसका लगा। लेगा चक्कू 2 रुपए। पान नहीं ले बे। अरे भाव में जाए तेरे पान, चक्कू दे दे। देखी मुझसे भी ज्यादा तेज है, सिर्फ 2 रुपए। मुझे भी एक चक्कू, मुझे भी दीजिए एक चक्कू, मुझे भी दीजिए। हाँ 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 हाँ। उस्ताद मैं फिर कहता हूँ बंद करो दुकानिया। अरे दुकानिया बंद ना करा पलकन, हम आज उससे ही ना पान बिकवाए तो हमारा नाम छेला नहीं। आओ इधर, ये लिया उस्तादी टुकड़ा बढ़ाया काम। पहला पैसा फिर मैंने कल ही मेले में चीज खरीदा था और ये देखो इसकी हालत। कितने में लिया था? मुझसे कल एक छुरी का इसने 1.5 रुपए लिया। ये लड़की सबको बेवकूफ बनाती है, छीन इसके सब लूट इसके माल को। पानी पी ले, पानी पी ले। कौन भवा? का भवा तेरी खोपड़ी, लोगों ने अकेले समझकर मेरे चाकू पैसे छीन लिए। तो हमको आवाज काहे नहीं दिया? अरे तुम कौन सा अच्छा आदमी है? हम बुरे टाइम के लिए बहुत अच्छे हैं, कभू बुलाई के देखा। खैर छोड़ो, ये चौक के लोग बहुत शैतान हैं, कहीं और जाए के चाकू बेचो। जाओ घर जाओ। लेकिन घर कैसे जाओ? बाबा को 10 रुपए नहीं दिए तो मुझे जान से मार डालेगा। ओ हमारो सुनत रहे तेरे बाबा बहुत जल्लाद है। समझ में नहीं आता क्या करूं। हमरी समझ में आ गवा, हमारी दुकानिया पर शाम तक पान बेचो, 10 रुपया हम दे बे। आओ आओ चलो चल जावा ऊपर। शाबाश। एक 10 पान तो लगा बनारसी कत्थे चुना बराबर। अरे कुछ नहीं लगा, दे
एक छह पान मुझे भी लगा दो। एक दस पान देसी पान खत्म। पूरा चलो रखो। सुपारी खत्म। तो खाली सौंप चलने दो। कथक खत्म। चूना लगाओ। कल आयो ना आई के माया बेवकूफ समझे। अरे तू आल खेच ले ना। ले दस तोरे। कल आई हो तो हम पंद्रह देबे। अरे छुकरिया माथे की गरम और तबियत की बहुत नरम है। उतर गई हमारे दिल में बात तो जाइए उस्ताद। अरे व्यापार भी देखो ना कितना डबल होता है गिन बैठ के। एक दो। बुआ जी तुमने कल शंकर चाचा को बुरा क्यों कहा? क्यों नहीं कहूँ, सौ बार कहूंगी। वो तो धोबी है। धोबी धोबी हमारे शंकर चाचा तो यहाँ के हीरो आए हीरो। धोबी कहोगी तो जाके कह दूंगा। कह दे मैं क्या डरती हूँ उससे। अच्छा शंकर चाचा कहाँ? अपने कमरे में। शंकर चाचा जानते हो मेरी बुआ जी क्या कहती है तुम्हें? तेरी बुआ वो जो मेले में मिली थी? हाँ कहती है कि तुम धोबी हो। धोबी धोबी वो तो सुर्ख नाका है। सुर्ख नाका कह दे उसे जाके। अरे तू शहर मैं जाके बोलती हूँ। तुम तो भूतनी हो भूतनी। धोबी सुरपनखा बंदर बंदरिया भूत भूतनी। ये क्या हो रहा है? देखो ना भैया ये देखो ना बुआ जी। जाओ लक्ष्मी घर जाओ जाओ जाओ। ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे सुरपनखा का क्यों कहा? आपने भी तो मुझे धोबी कहा। क्या मैं धोबी लगता हूँ? चल प्रदीप। प्रदीप नाराज होके जा रहे हो? नहीं चाचा। तो फिर कल मिलोगे? कोर्ट से लौटूंगा तुम रॉयल पार्क में मेरा इंतजार करना। चल प्रदीप। और सुनो तुम आओ या ना आओ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा देखा कैसे कहता है चार बजे मिलना जैसे हम उसके नौकर हैं। जरा देखना मेरा चाचा क्या कर रहा है। अरे वो तो हमारी तरफ देख रहे हैं। देखने दे उसी की आंख फूटेगी। प्रदीप ए प्रदीप तूने चार बजे कहीं जाना था ना? नील दौर ये कोई सोने का वक्त है। दोपहर को सोने से आदमी मोटा हो जाता है। सोने दीजिए। प्रदीप तूने चार बजे किसी से मिलना था ना? वो तो शंकर चाचा से। तो क्या हुआ? अच्छा आदमी वो होता है जो कहे उसे पूरा करे। चल चलो उठना बचपन से आदत खराब कर रहा है। चाचा अरे प्रदीप जरा सुन तो तू अकेला जा रहा है? क्यों कल ही तो झगड़ा हुआ था जाने क्या कर बैठे। ठहर मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। हेलो कहाँ जा रही हो? आप कहाँ जा रहे हैं चाचा? शिकार। आप शिकार करते हैं? जी हाँ। किसका? जो शिकार हाथ आ जाए। चल प्रदीप
अरे प्रदीप, तूने ठीक सुना था ना? हाँ बुआ जी, यहीं के लिए तो कहा था। नमस्ते, आप आएंगी मुझे भरोसा नहीं था। शंकर क्या 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 कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, मेरा मतलब है तुम आओगे मुझे भरोसा नहीं था। मैं आऊंगा आपको भरोसा नहीं था? अरे चाचा, मैं तो बिन बुलाए आपके घर 10 चक्कर लगाता हूँ। लगाते तो हो, लेकिन दरअसल आज मुकदमा ये सब ऐसा था। खैर छोड़ो इस बात को। अच्छा यार, जरा मुंह तो इधर करो। ये खूबसूरत आंखें, रेशम जैसे मुलायम लंबे लंबे बाल, खुलते होंगे तो कमर तक आते होंगे। खूबसूरत आंखें, लंबे लंबे बाल, खुलते होंगे तो कमर तक। अरे चाचा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बहकी बहकी मैं कह रहा था ना, मुकदमा ही ऐसा वैसा था। सच कहता हूँ प्रदीप, जब से तुम्हें मेले में देखा है अपनी तो नींद उड़ गई है। मुझे देखकर नींद उड़ गई? अरे चाचा, मैं पागल हो गया या आप? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आया। मैं कह रहा था ना, आज मुकदमा ही ऐसा वैसा था। प्रदीप, कल आओगे ना 4 बजे इसी जगह, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा आऊंगा। जाने कब कल हो, कब 4 बजे। छोटे सरकार, 4 तो रोजे ही बजत है, कल वाली 4 के लिए इतना काहे तड़पत हो? कौन जालिम है? कोई नहीं। छोटे सरकार, हम इस मकान में बच्चे से जवान हुई गए, हमार बापू जवान से बूढ़े, हम तोहार रंग बराबर पहचानत है। तो सुनो, जोर से बोलो, हमार बापू बाहर है। मुझे तुम्हारे बापू नहीं अपनी माँ की फिक्र है, अपना तो दिल धक धक कर रहा है। अरे तोरा दिल धक धक कर रहा है? और दिल धको धक कर रहा है। ऐसी छुकरिया है कि तूफान मेल, पर हम भी वो दाव दिए है कि दिन भर दुकान पे बैठी रही, धंधा चौबल हुई गवा। ये देखा नोट का बंडल, ये देखा। अरे छकरुआ, रकम हाथ में नहीं जेब में रख ले तेन। हाँ मुन्ना। मगर बापू, आज 2 16, 8 23, 24, 8 6 32, 8 6 32। सोना नहीं आज? नहीं बुआ जी, दोपहर को सोने से आदमी मोटा हो जाता है। किसने बहका दिया तुझे? कल आपने तो कहा था बुआ जी। मैंने कहा था? अरे हाँ, वो तो मैंने बड़ों के लिए कहा था। तू बच्चा है और बच्चों के लिए दोपहर को सोना बहुत जरूरी है। चल चल सो जा। मुझसे क्या मतलब? अरे कैसी बातें कर रहा है? कौन से 10 भाई हैं मेरे? एक ही तो फूल है मेरी बगिया में। क्या दुख है तुझे? एक ही तो दुख है। क्या? मैं अभी तक आ रहा हूँ। तो घर बसा दूँ तेरा? पार्वती नहीं मानेगी। अच्छा, तो तू पार्वती से शादी करेगा? उसके तो अच्छे भी माने, ऐसी चाबी घुमाऊंगी कि जीवन भर दासी बनकर रहेगी तेरी। मेरा भैया, नमस्ते। प्रदीप नहीं आया? वो स्कूल गया है।
लेकिन आजकल तो स्कूल की छुट्टियां हैं। सारा मजा किरकिरा कर दिया आपने। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ प्यार कब बजेंगे और प्रदीप से मुलाकात कब होगी, और आप प्रदीप को ही साथ नहीं लाएं। आप प्रदीप से मिलने आए थे? और नहीं तो क्या, आपसे मेरा लेना देना क्या है? लेकिन लेकिन कल तो वो बड़ी बड़ी आंखें लंबे लंबे बाल, मैं तो प्रदीप की तारीफ कर रहा था। सुनिए, आप तो सचमुच बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। आप ही सोचिए किसकी आंखें खूबसूरत हैं, किसके बाल लंबे, मेले में किसको देखकर किसी की नींद उड़ सकती है। आज भी कोई ऐसे वैसे मुकदमा था क्या? सच पूछो तो आज ही सुनवाई हुई है। हुई है ना? आंख मिलाए ना मुस्कुराए ना, आंख मिलाए ना मुस्कुराए ना, मेरा यार बड़ा शर्मीला, मेरा यार बड़ा शर्मीला, दूर भी जाए ना पास भी आए ना, दूर भी जाए ना पास भी आए ना, क्योंकि प्यार बड़ा शर्मीला, मेरा यार बड़ा शर्मीला। चुराए ना चैन उड़ाए ना, नींद चुराए ना चैन उड़ाए ना, है दिलदार बड़ा शर्मीला, मेरा यार बड़ा शर्मीला। हर गम की कोई दवा है, दर्द दिल तो चीज क्या है, है हर गम की कोई दवा है, दर्द दिल तो चीज क्या है, रोग बताए ना जान बचाए ना, रोग बताए ना जान बचाए ना, है बीमार बड़ा शर्मीला, मेरा यार बड़ा शर्मीला। बताए ना साफ छुपाए ना, साफ बताए ना साफ छुपाए ना, है इजहार बड़ा शर्मीला, मेरा यार बड़ा शर्मीला। आंख मिलाए ना मुस्कुराए ना, आंख मिलाए ना मुस्कुराए ना, मेरा यार बड़ा शर्मीला, मेरा यार बड़ा शर्मीला।
लैला, इतनी फजल? क्या बताऊं छैला, मुझे तो आधी रात के बाद नींद ही नहीं आई। करावा? अच्छी बनी खा पी के खटिया पे लेटी, सो गई। सपने में क्या देखती हूँ? दरवाजा खोलकर तू अंदर आ गया। अच्छा, कहाँ मेरी कसम? तेरी कसम। फिर कहाँ भावा? मैं तो धक से रह गई। तू आगे बढ़ा, मैं पीछे हटी। तू और आगे बढ़ा, मैं और पीछे हटी। तूने अपनी तरफ घुमाया और लगा मुंह बढ़ाने। फिर कहाँ भावा? चल, कोई सब बातें थोड़ी बताता है। हम समझ गए, आगे बताओ कहाँ भावा। तू पास आ गया। फिर कहाँ भावा? फिर मेरी आंख खुल गई। गजब भावा, अजब टाइम पे आंख खुल गई, फिर कहाँ नहीं सो गई। मजाक छोड़, छैला बताना मुझे क्या हो गया। तुझे जो एक लैला को मजनू से हुआ था, दूसरी को छैला से हुई गवा, क्यों ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देख लिया शेर खान, ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। 5,000 रुपया देकर शादी कर रहा हूँ, मुफ्त में नहीं। बिगड़ते क्यों है हसन पहलवान? इस लड़की का मैं घर से निकलना ही बंद कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बाबा चाकू। आज से तेरा चाकू छुरी बेचता बंद। जा भाई, जा, जा। दीदी, क्या बात है नंदू? आज पार्वती को शंकर के साथ देखा। शंकर के साथ? हाँ। अच्छी बात। दुर्गा माता, चंडिका माता, ऐ गौ माता, काली माता, गौ माता, गौ माता। अंदर चलो। बंद करो दरवाजा। मारोगी क्या? जो खुद मरने पर तुला हो उसे मारने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? जो नहीं हुआ वो हो जाएगा। जवान बहन घर में बैठी है और तुमने उसकी तरफ से आंखें मूंद रखी हैं। अभी तो उसके हंसने खेलने के दिन हैं। हंसने खेलने के दिन है? चलती है तो मन मन का पाँव पड़ता है धरती के सीने पर। मैं कहती हूँ जल्दी से उसके हाथ पीले कर दो, नहीं तो पछताओगे। पर कोई अच्छा लड़का तो मिले। अरे घर में गंगा बह रही है, मेरा मतलब है अपना नंदू। नंदू? एक बंदर के गले में मोतियों की माला। क्या मेरे भाई को बंदर कहा तुमने? बंदर तुम? क्यों बिगड़ती है, क्यों बिगड़ती है? आखिर क्या कमी है मेरे भाई? कोई कमी नहीं है, तू जैसा ठीक समझे वैसा ही कर दे। सच? तो फिर पार्वती और नंदू की बात पक्की? पक्की, पक्की। बुआजी, बुआजी, आपकी शादी नंदू मामा के साथ हो रही है? नंदू के साथ? हाँ। मैं तो कहता हूँ तुम नंदू से शादी कर ही डालो। पति बेवकूफ हो तो पत्नी का जीवन सुखी रहता है। कर तो लू, लेकिन एक और आवारा है जिसने मुझे बहुत तंग किया। आवारा? कौन आवारा? तू। आज ही माजी को भेजता हूँ तुम्हारे भैया के पास शादी की बात करने को। भेज दो, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मुझे पूरे 7 दुम तारे चाहिए। दुम तारे? हाँ हाँ, दुनिया में हर चीज की दुम होती है, जैसे कि घोड़ा, गधा, लंगूर, बंदर। इसी तरह इंसान की भी दुम होती है, नन्ने मुन्ने दुम तारे। वाओ 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 वाओ। तो माजी को तुम्हारे भैया के पास नहीं भेजूंगा? एक दुम तारे, दो दुम तारे, ठेंगा। मेरा घड़ा दो ना। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रहे हो। दुम तारा, दुम तारा, ठहर समझाती हूँ।
तुम्हारा क्या होता है? तुम तारा एक तुम तारा दो तुम तारे एक तुम तारा तुम तारा एक तुम तारा दो तुम तारे एक तुम तारा रात मेरे सपने में आया एक कावारा रात मेरे सपने में आया एक कावारा मैं मर गई तुम तारा एक तुम तारा दो तुम तारे एक तुम तारा तुम तारा एक तुम तारा दो तुम तारे एक तुम तारा धड़क गया दिल बन के अंगारा मैं मर गई तुम तारा तुम तारा एक तुम
देखा वो हमार लैला का घर है, हम अंदर जाए थे, तुम यहाँ खड़े रहो, जैसे उसका बाप आए तुम भोंकना शुरू कर देना, हम समझ जाएंगे खतरा आ गया। ठीक? हाँ बरोबर बरोबर। नहीं अगर तुम यहाँ सो गए और उसका बाप आ गया तो हमार चंपी हो जाएगी, ऐसा करो कि हम अंदर जाएंगे तो तुम भोंकते रहना, हमका अंदर मालूम रहे कि तुम मौजूद हो और जैसे उसका बाप आए खामोश, हम समझ जाएंगे खतरा आ गया। ठीक ठीक बताओ कैसे भोंकोगे? मालूम होगा। लैला चेला यहाँ क्यों आ गया? बाबा आ गया तो गजब हो जाएगा। अरे हम भी कच्ची गोली नहीं खेले हैं, आवाज सुना था? ये तो कुत्ते की आवाज। अपना बाकी है बाकी, जब तक आवाज चालू रही खतरा नहीं, आवाज बंद खतरा लागू, तोरे बाबा इधर से अंदर और हम इधर से बाहर। अच्छा दुकान पे काहे नहीं आई? बाबा को तेरे और मेरे पे शक हो गया। अरे बाबा को शक हो गया है और हमको ही शक हो गया है। हम तेरे वास्ते पान लाए हैं। दे? ऐसे नहीं, मुंह खोल। ए चाकू मार दूंगी। मुंह बंद। क्यों? आवाज बंद हुई क्या? ये तो दूसरे कुत्ते की आवाज है। अरे नहीं बदल बदल के बोला था, बहुत शैतान है। खोलो। बैठो। बोलो क्या बात है? हमार दिल में बस एक ही ख्वाहिश है, दरिया किनारे चल गए ऐसी हमार बगल में बैठ के फोटो खिंचवाए लो, अपनी दुकनिया में लगा फ्रेम करके। अब तू जाओ? हम नहीं जाओ बगैर फोटो के। लेकिन समझ गए, बदल लियो। बेटा दिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माफ। छाई बहार पहलवान कुछ कला है। देखो बच्चू बाहर आई के बराबर खराब ससुर। आजा मोरे बाल मा, तोरा इंतजार है, शाबाश अब बात बनी, चला। नहीं मुझे तो डर लगता है बाबा को पता चलेगा तो मुझे जान से मार दे। क्या बाबा बाबा करा था, हमें कोई लल्ला नहीं, 14 बरस बरस के घाट का पानी पिया है, वो धोबी पछाड़ मार के फोड़ के रख दिया ससुर का। आओ चला। बाबा क्या यो बे पनवाड़ी? ससुर जी अरे ठंडी सांस क्या लेती है, अभी आएगा। पहलवान 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 इधर सो। लैला बाबा अरे दत्ता बहुत बड़ा चक्कू है। बाबा हाथ उठाया तो हमेशा के लिए इसके साथ चले जाऊंगी। अरे ये टटपुंजिया तुझे क्या लेके जाएगा, हसन पहलवान तेरे साथ शादी करने के पूरे 5,000 रुपए दे रहा है। अरे हम 5.5 देंगे। हम 6.5 देगा। हम 8 देंगे। हम 10 देगा। 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70
अरे ससुर जी देर हुई गए। शेर खान तुम फिकर मत करो, नोट का छुट्टा है। क्यों? नोट आवाज नहीं करते, छुट्टा निकालो। गिलास लियो वहां से जल्दी। क्यों? अरे गिलास लियो। अब भाई उठ के बैठ जाएंगे। मुझे क्या हो गया था? रकम कहां तक पहुंची? सिर्फ 5,000 बस। जाति का नाम सुन के तो ढेर हुई गए रहे, 5 से ज्यादा ना मिली। ठीक है, 14वीं के चांद से पहले जो आदमी भी 5,000 की रकम लेके आएगा उसके साथ शादी होगी। बिल्कुल ठीक है। चला तो फिकर मत करो, हम करब बंदोबस्त 5 का। पहलवान थोड़ी देर और जाओ, हम जाहिर से बंदोबस्त करेगा। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि शंकर और पार्वती की शादी हो जाए। लेकिन मां जी, मेरी मजबूरी ये है कि मैं अपनी जुबान हार चुका हूं। मैं बड़ी आशा लेकर आई थी तुम्हारी। मां जी मुझे माफ कीजिए, मेरे बस में होता मैं आपको कभी निराश ना करता। मैं मजबूर हूं, शंकर और पार्वती की शादी हो ही नहीं सकती। अच्छा बेटे, मगर क्यों तुम्हारे भैया हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए? वो मेरी शादी नंदू के साथ करना चाहते हैं। नंदू के साथ? हाँ, लेकिन तुम देख लेना शंकर, अगर भैया ने मुझे नंदू के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया तो मैं आत्महत्या करूंगी। आत्महत्या? ऐसी बात नहीं करते। मैं एक औरत हूँ शंकर, और औरत जीवन में एक ही बार प्यार करती है। शादी होगी तुम्हारे साथ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पार्वती, पार्वती कहां से आ रही हो? बाहर से। अब तुम्हारा बाहर जाना अच्छा नहीं, अगर जाना हो तो अपने दुल्हा नंदू को अपने साथ ले जाया करो। तुम्हारी शादी होने वाली है ना? मुझे नहीं शादी करनी है किसी से। क्या कहा? अजय सुनते हो क्या कह रही है तुम्हारी लाडली छम्मक छल्लो? क्या कह रही है? कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी नंदू से। तो किससे शादी करेगी? मैं बताती हूँ, ये शादी करेगी शंकर से, और मुंह काला कराएगी तुम्हारा। शंकर से? इसके कहने से क्या होता है? जो इस घर में रहेगा उसे मेरी मेरा मतलब है तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। भैया मैंने कह दिया, अगर मुझे शादी के लिए मजबूर किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आत्महत्या कर लूंगी? अरे बहुत देखे मरने वाले, तेरे भैया ने कह दिया है इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है भाभी, मैं कल ही माँ के पास गांव चली जाऊंगी। कल ही क्यों? जाना है तो अभी रास्ता नापो अपना, 9 बजे की गाड़ी जाती है। क्यों जी? हाँ हाँ, 9 बजे ही गाड़ी जा रही है। जा रही हो? गांव। 9 बजे की गाड़ी से? हाँ। लेकिन पहुंचोगे कैसे? स्टेशन तो यहां से 2 मील दूर है, और 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। आओ मैं पहुंचा देता हूं। आओ 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 ना।
ऐसी पत्नी को कभी स्वीकार न करूं, बल्कि मेरा बस चले तो अपने हाथों से उसका गला खोल दूं। कीचड़ से सनी हुई ये चप्पलें हमें नदी के किनारे से मिली हैं। ये सब चीजें तो मेरी बहन पार्वती की हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उसने आत्महत्या की है। आप वजह बता सकते हैं? वजह ये है इंस्पेक्टर साहब कि मेरी बीवी इस लड़की की शादी अपने तिकोने भाई नंदू से करना चाहती थी और मैंने उसका साथ दिया था। मुझे क्या मालूम था कि मेरी बहन इस तरह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। अब मैं अपनी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? आत्महत्या कर ली? किसने? गोविंद की बहन पार्वती ने। पार्वती ने? इतनी सी बात पर? क्या आपको वजह मालूम है? वजह? घबराओ नहीं बेटा, तुम जनसेवा आश्रम में हो। गंगा में बहते हुए देखकर गांव वालों ने तुम्हें बचा लिया। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा गांव, माता पिता, भाई बहन? भाई? रो नहीं बेटा, रो नहीं। क्या हुआ था? क्या हुआ था तुम्हें? मैंने आत्महत्या की थी। आत्महत्या? क्यों? भैया ने शंकर के साथ मेरा लगन स्वीकार नहीं किया था। मैं गांव जाने के लिए स्टेशन जा रही थी। रास्ते में प्रकाश मिला और स्टेशन पहुंचाने का वादा करके वो उसने मेरी आबरू। देखो बेटा, आत्महत्या करना पाप है। चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। क्यों? झूठ मैं बोल नहीं सकूंगे और सच वो सह नहीं सकेंगे, तो फिर घर जाकर उनके आत्महत्या का कारण क्यों बनूं? लेकिन शंकर तो तुम्हारी मजबूरी। डाली से गिरा हुआ फूल देवता के चरणों में नहीं चढ़ाया जाता स्वामी जी। तो फिर तुम क्या करोगी? क्या मालूम? देखो बेटा, अगर तुम इतनी निराश हो चुकी हो तो आत्महत्या करने के बजाय अपना जीवन भगवान को अर्पण करो। कैसे? जनसेवा भगवान की सेवा है। इस अस्पताल में बीमार, अपाहिज और दुखियारे लोग रहते हैं। मुझे विश्वास है तुम उनकी सेवा में अपना दुख दर्द सब कुछ भूल सकोगी।
छोटे सरकार, इका रोग लगाए के बैठ गए। अरे हमरे ही केस ले लो, 5,000 रुपया जिंदगी भर जमा नहीं हो सकत है। लड़की मिले के कोनो चांस नहीं, फिर भी मस्त घूमत है। मत समझा चेला, ये तो मेरा भाग्य है कि ये देखने के लिए मैं जिंदा हूँ। मेरा जवान बेटा सामने बैठकर रोए और मैं कुछ न कर सकूं। माँ, मैं तुझे दोष नहीं देती बेटी, पर जो चला गया उसका रोना क्या। मैं तो सोचती थी एक दिन मेरा शंकर बड़ा होगा, लक्ष्मी आएगी और ये घर संसार उसे सौंप कर मैं बद्रीनाथ की यात्रा को जाऊंगी, लेकिन मेरे भाग्य में ये सुख नहीं। ऐसा मत कहो माँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे इंसान का बस नहीं होता। मैं अजयनगर जा रहा हूं केस के। बेटा। माँ, मुझे समझने का मौका दो। माँ जी आप फिक्र मत करो, हम छोटे सरकार का जाने था, आप लड़की देख लो, शादी जरूर हुई। जाने दीजिए। क्यों? यही मेरे शंकर है। शंकर? ओ अच्छा अच्छा जाओ। मुझे दीजिए। तुमसे शादी करना चाहता हूं। शादी? पार्वती तुम चुप क्यों हो गई?
मुझे भुला दिया क्या? शंकर पार्वती तुम नहीं जानती तुम्हारे बगैर मुझ पे क्या गुजरी, मैं जिंदा कैसे रहा। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, इसी वक्त। शंकर शंकर मुझे संभालने का समय तो दो, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। स्वामी जी उन्हें होश आ गया, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं। तुमने क्या कहा? मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। ठीक है बेटा, जो तुम्हारे मन में है सब कुछ बता दो। लेकिन वो सब मैं कैसे बता सकूंगी? बता नहीं सकती तो लिख कर दे दो। लिख कर? हाँ हाँ। मेरे शंकर, जिस दिन मैं तुमसे मिलकर घर पहुंची उसी दिन भाई और भाभी से मेरा झगड़ा हुआ और मुझे घर छोड़ना पड़ा। रास्ते में प्रकाश मिला और उसने मेरी आबरू लूट ली। उसके बाद मेरे पास पार्वती, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम आओगी और मेरे सवाल का जवाब दोगी? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लिख रही थी शंकर। मेरे शंकर, उस सब कुछ मैं जानता हूं। जानते हो? हाँ। मैंने आत्महत्या क्यों की? मैं सब कुछ जानता हूं, सिर्फ मैं ही नहीं तुम्हारे भाभी भैया सभी जानते हैं। और ये सब जानते हुए भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? क्यों नहीं, ये सब भाग्य का लिखा था जो पूरा हो गया। इसमें तुम्हारा दोष ही क्या, तुम्हें मजबूर कर दिया गया, इसी डर से तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की। मैं सचमुच डर गई थी शंकर कि तुम मेरी आत्महत्या की कहानी सुनकर मुंह फेर लूंगा। तुम भूल रही हो, शंकर और पार्वती का जन्म ही एक दूसरे के लिए हुआ। वो ना कभी जुदा हुए हैं ना कभी होंगे। गांव से तुम्हारी माँ भी आई हुई है, वो तुम्हें देखकर कितनी खुश होंगे। माँ इन्होंने आत्महत्या की, लेकिन गांव वालों ने इन्हें बचा लिया। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ माँ जी। पार्वती, तुम्हारी खबर सुनते ही माँ जी गांव से यहाँ चली आई थी। देखो रो रो कर माँ जी ने क्या हालत बना ली है अपनी। अरे सुनती हो? अब देखो कौन आया है। अरे पार्वती, पार्वती बेटा, बुआ जी को अंदर ले जाना। जा 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 जा। दरअसल जो बात थी मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताई। पार्वती ने आत्महत्या इसलिए की थी कि ये बहन उसकी मर्जी के खिलाफ अपने तिकोने भाई से शादी करवाना चाहती थी। मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा, पार्वती की शादी शंकर से ही होगी। ओम श्री सचते लक्ष्मी सुचित कन्यात्रे पाशचंद्र तो इस शादी में लगे पड़े हो उस्ताद। कल फागुन की चौदहवीं है, तुम्हारी अपनी शादी का क्या होगा? अरे बिछड़ जाओगे क्यों? अरे हम ऐसे चक्कर के चक्कर में हैं कि पहलवान चक्कर खा जाए। तुम फिक्र मत करो, अभी रात बाकी है। मुबारक हो शंकर, ये सज्जनों ने झूठा कब से खाना शुरू कर दिया?
क्या आज भी आ? अरे यार, तुम्हारी शादी की खुशी में आज कुछ ज्यादा ही पी गए। महानता है, वरना मैं आज ही खो बैठी थी। देखो ना, अभी अभी प्रकाश। ये किसका नाम ले लिया तुमने? आज की रात तुम्हारे तक पहुंच गए हैं तो लेके जाएंगे, चलाओ। नवी बख्श है ना, उनकी बीवी सकीना। अरे ये कैसी शादी है, मैं ढोलक न बाजा, जाओ लेकर आओ। पहली बार ही ढोलक लाना। अरे तुम क्या बाजी हो, पहली दफा शादी हो रही है, मुझे ऊंच नीच तुम जानी है, चल जाओ तुम ले। तुम यहाँ क्यों आए? तो हार खा दू, चलो। लेकिन कैसे? बहुत आसान है। बाप का नाम हसन पहलवान, बाप का नाम मोहसिन पहलवान। निकाह समाप्त हो गया, सुनन को काजी साहब बुला रहे हैं। अरे तो अब कहो। अरे दुल्हन को बाहर क्यों ले जा रही हो? हमारे यहाँ का यही रिवाज है। अच्छा रिवाज। पहलवान तुम्हें कबूल है? मुझे कबूल है। बेटी, तुम्हारी शादी हसन पहलवान वल्द मोहसिन पहलवान से बेवस 5,000 रुपए मेहर सिक्का राजुल वक्त करार पाई है, तुम्हें कबूल है? नहीं। हाँ बोल बेटा। नहीं। हाँ बोल। बता, ये तो बहुत मजबूत है। लैला, प्यारी लैला, यहाँ क्यों खड़ी है? वहां बैठ जा, आजा। अरे लैला, अरे लैला, तुझे मेरी मोहब्बत और इस परवारी की बेवफाई का यकीन नहीं आया? बेवफा तुम हो? मैं? अरे तू हसन पहलवान को पहचानी ही नहीं। अरे मैं खूब पहचानती हूँ, नाम का पहलवान है। अरे नाम का नहीं, मैं काम का भी हूँ। अरे तू कहे तो मैं अभी इसका कचूमर कर दूं। एक और तो। जरा हट पीछे हट। वो क्या चीज है? वो वजन, कसरत के लिए। कितनी दफा उठा सकते हो? जितनी बार तू कहे। 50 दफा। अरे 50 क्या, तू कहे तो मैं इसे 100 बार उठाऊं। उतर जा।
शादी मेरे साथ हुई है और ये शादी हमारे साथ हुई और हमारी शादी इसके साथ क्या बकता है? हाँ बाबा मेरी शादी इनके साथ हो गई। ठाकुर जी 9000 रुपया। हाँ बाबा दे दो। हाँ ठाकुर जी चलो अपन इधर से जाएंगे। ओ बेटा बहू रानी कोई बाबू आपसे मिलन आए रहे बाबू। अच्छा कहिए। चलो मेरे पति कोर्ट गए। कोर्ट का मुझे भी मालूम है। तो आप किससे मिलने आए हैं? तुमसे। शादी के बाद तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। पति के सिवा किसी दूसरे के मुंह से मैं अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहती। पति के सिवा वो न सही, तुम तो जानती हो तुम्हारे हमारे दरमियान कुछ ज्यादा फासला नहीं है। वो भी जानते हैं। कैसे? मैं उन्हें बता चुकी हूँ। अच्छा शंकर जानबूझकर झूठा खा गया? कुछ लोग देवता समान होते हैं जिनके सामने झूठ सच अच्छा बुरा सब एक समान होता है और वो है मेरे पति। अब चले जाइए यहां से। और न जाऊं तो मुझे नौकर को बुलाना पड़ेगा। बंसी। अरे अरे नौकर को बुलाने की तकलीफ क्यों करती हो, मैं खुद चला जाता हूं लेकिन हमेशा के लिए नहीं, फिर वापस आऊंगा। छोटे सरकार आप लोगों को मां जी बुलाओ। ये क्या? देख बेटी मैं आज तेरे एक बात भी नहीं सुनने वाली। आज शाम के गाड़ी से मैं तीरथ जा रही हूँ। तीरथ? हाँ 5 साल के बाद मैं अपनी शादी की सालगिरह पहली बार मना रहा हूँ। 4-5 दिन के लिए ठहर जाओ मां। शंकर संसार के काम कभी खत्म हुए और फिर मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटे, मुझे जाने दे। मैं शाम को कोर्ट से जल्दी लौटूंगा। शादी की सालगिरह मुबारक हो। कांग्रेचुलेशन। हेलो रतन। शंकर मुबारक हो। मुबारक हो शंकर। मुबारक हो। मुबारक हो शंकर। आपको भी। पता लगा शादी की सालगिरह मना रहे हो सो चला आया। दिन बुलाया मेहमान हूँ, नौकर को बुलाकर निकाल तो नहीं दोगे? कैसी बातें कर रहे हो प्रकाश? मालूम होता है तुम्हारी मिसेज को मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ये बात है प्रकाश, मैं पहले उसे बड़ी मुश्किल से समझा कर लाया था। घर गृहस्थ लड़की है, लोगों के सामने आना शर्माती है। शर्माती? हेलो दीपक। और वो भी मुझसे शर्माती? तुम्हारी इस हंसी का मतलब बगला भगत मत बनो। आखिर कहना क्या चाहते हो? सबके सामने? तो सुनो, जिसे तुम घर गृहस्थिन कहते हो मैं उसे बहुत पहले अपना चुका हूं, बाद में तुमसे शादी की। प्रकाश क्या सबूत है तुम्हारे पास? अपनी बीवी से जाके पूछो। ठीक है बकाता ठाकुर। और अगर ये झूठ निकला तो हम इसे जान से मार डालेंगे। लिखा है कि शादी से पहले ये तुम्हें अपना चुका है। बोलो ये झूठ है पार्वती, बोलो ये झूठ है पार्वती, बोलो ये झूठ है।
सच है। स्टेशन ले जाने के बहाने इसने जबरदस्ती मेरी आबरू। जा रही थी जिसे फाड़ते हुए आपने कहा कि मैं सब जानता हूं। क्या जानता हूं? यही कि मैंने आत्महत्या क्यों की थी। फिर भी मैंने आपसे कहा कि ये सब जानते हुए भी आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। आपने कहा हां, इसमें तुम्हारा दोष ही क्या है? ये सब भाग्य का लिखा था जो पूरा हो गया। मैं तो ये समझता रहा शादी न होने की वजह से तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की। तुम्हें याद होगा जाते हुए तुमने मुझसे कहा था अगर तुम्हारी शादी मेरे साथ ना हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो क्या आप ये सब जानते तुम मुझसे शादी ना करते? जानबूझकर समाधि पर चढ़ाए हुए फूलों की माला कोई अपने गले में नहीं डालता पार्वती। तो क्या चरणों में भी जगह नहीं मिल सकती मुझे? ये माँ के साथ अन्याय होगा जब उन्हें मालूम होगा तुम जैसी लड़की उनके ठाकुर गोपाल को भोग चढ़ाती रही और वो तुम जैसी कलंकनी के हाथ का बना हुआ खाना खाती रही तो उन पे क्या गुजरेगी? तो फिर मैं क्या करूं? दूर मरो। बड़ी कोशिश की गंगा मैया ने स्वीकार नहीं किया। जिस पाप को गंगा मैया जैसी देवी स्वीकार न कर सकी उस पाप के साथ मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगा? चली जाओ यहां से। मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। बदली छाई जुदाई लेके आई मिलन की रात। गम की बदली छाई जुदाई लेके आई मिलन की रात। ओ मेरे रामा रे तेरी दुहाई जुदाई लेके आई मिलन की रात। गम की बदली छाई जुदाई लेके आई मिलन की रात। बिछड़ा एक माँ से दुलारा बिछड़ा एक माँ से दुलारा डूबा इन आँखों का तारा टूटा इस मन का सहारा हमरे आंगन में भेस जुदाई बदल कर आई मिलन की रात। गम की बदली छाई जुदाई ले आई
मिलन की रात। दुख ने सारे सुख लूटे, दुख ने सारे सुख लूटे, सच निकले सारे झूठे, सपनों के मंदिर टूटे, मंदिर टूटे, रूठे राधा से कृष्ण कन्हाई के बाह छुड़ाई मिलन की रात। गम की बदली छाई जुदाई लेके आई मिलन की रात। ओ मेरे रामा रे तेरी दुहाई जुदाई लेके आई मिलन की रात। गम की बदली छाई जुदाई लेके आई मिलन की रात, मिलन की रात, मिलन की रात। पार्वती, इस समय तुम यहां क्या बात है, क्या हुआ? मुझे निकाल दिया गया। निकाल दिया गया? क्यों? वही मेरी दुर्भाग्य की कहानी। लेकिन शादी से पहले तो तुमने उसे सब कुछ बता दिया था ना? ये भी तो भाग्य के खेल है स्वामी जी। मैंने बताना चाहा, उन्हें पता ना लगा। दूसरे ने चाहा, वो सब कुछ जान गए। शंकर तो न्याय करता है। न्याय करने वाले ने इतना भी नहीं सोचा? इसमें तुम्हारा क्या दोष है? इससे बड़ा दोष और क्या हो सकता है स्वामी जी? मैं एक औरत हूं, मुझे कहीं दूर भेज दीजिए स्वामी जी, दूर, बहुत दूर। मन न हारो बेटा, मैं कल ही तराई की एक बस्ती बेलापुर जा रहा हूं, तुम्हें भी साथ लेता जाऊंगा, आओ। बेलापुर आप अभी भी तीरथ से लौटी हैं, आराम कीजिए, मैं फिर बता दूंगा। नहीं नहीं शंकर, मुझे अभी बता, क्यों निकाल दिया तूने उसे घर से? माँ, शादी से पहले उसने किसी दूसरे आदमी का मुंह देखा था। शंकर! हाँ माँ, ठाकुर के लड़के प्रकाश ने भरे मेहमानों के सामने मेरे मुंह पे थूका, और जब मैंने पार्वती से पूछा तो कहने लगी स्टेशन ले जाने के बहाने उसने जबरदस्ती मेरी आबरू लूटी। जबरदस्ती?
शादी से पहले पार्वती ने तुझे कुछ नहीं बताया? वो कहती है मैंने बताया था, झूठी। शंकर, इसका मतलब है कि बहू के मन में कोई पाप नहीं था। बेटे, अगर भागते हुए हिरन को कोई गोली मार दे तो पाप हिरन का नहीं, उसका है जिसने बिना किसी दोष के उसे गोली मारी। बहू को तूने घर से निकाल दिया क्योंकि औरत मर्द की दया पर होती है, लेकिन प्रकाश का क्या किया? मुझे सारी दुनिया से कोई वास्ता नहीं मां। वाह बेटे, आज मुझे तुझ पर नहीं अपने आप पर शर्म आ रही कि मैंने तुझ जैसे बहादुर बेटे को जन्म दिया। तू 2 साल का था जब तेरे पिता इन हाथों में सौंप कर चले गए थे। एक औरत के हाथों ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू औरत के दुख दर्द को नहीं समझ सका। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं मां, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे हर आदमी मुझ पर उंगली उठा रहा है। मैंने फैसला किया है ये जगह छोड़ देंगे और कल ही हम लोग यहां से बिल्लापुर चले जाएंगे। ताली मां, इसे जवाब दे। माँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। शंकर, शंकर, तूने मेरी बड़ी सेवा की है बेटा, एक और सेवा कर दे। माँ, दादी के गोद में पोता माँ के लिए तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। इस पाप से मुझे बचा ले बेटा, इस पाप से मुझे बचा ले। शंकर बाबू। स्वामी जी, आप यहाँ कैसे आए? मैं पतली होकर यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा हुआ, मुझे पार्वती के बारे में आपसे कुछ। पार्वती नाम की कोई लड़की मेरे जीवन में आई, यही तो भुलाने में यहाँ आया हूँ। लेकिन स्वामी जी, मेरा बेटा बीमार है, उसकी देखभाल के लिए मुझे नर्स की जरूरत है। नर्स मिल जाएगी, लेकिन मैं पार्वती के बारे में आपसे कुछ। उसके नाम से मुझे सख्त नफरत है, मेहरबानी करके आप एक नर्स का इंतजाम कर दीजिए, मेरा बेटा बीमार है। पता लिख दीजिए। मुझे भेज दीजिए स्वामी जी, मेरा गोपाल बीमार है। सोच लो बेटा, तुम्हारा जाना ठीक होगा। वो ज्यादा से ज्यादा मुझे जान से ही मार डालेंगे ना। मेरा बेटा बीमार रहा तो मेरा जीना क्या और मरना क्या। मुझे जाने दीजिए स्वामी जी, मुझे जाने दीजिए। अच्छा जाओ। नर्स, मैं जनसेवा आश्रम से आई हूँ। अच्छा अच्छा, गोपाल के लिए आइए। भतीजा है, बड़ा भागा है बेचारा। माँ तो सभी की मरती है मगर इसकी माँ जिंदा होते हुए मर गई। वो रहा, माजी मुझे मत निकालिए, माजी मुझे मत निकालिए, मैं गोपाल के अच्छे होते ही चली जाऊंगी। तुम्हें कौन निकाल सकता है बेटी? मैं अभी अभी अपने ठाकुर गोपाल से पूछ रही थी
कि तुमने तो बचपन में माँ का पूरा प्यार पा लिया, फिर मेरे गोपाल ने क्या किया जो तुमने उससे माँ का प्यार छीन लिया। सो मेरे ठाकुर गोपाल ने मेरी बात मान ली और तुम्हें यहाँ भेज दिया। लेकिन माँ जी, मैं सब सुन चुकी हूँ बेटी। फिसल कर गिर जाने से अगर चोट लग जाए तो इसमें किसी का दोष नहीं होता। तू अपने गोपाल से जी भर के बात कर ले, मैं जाती हूं। पार्वती, दरवाजा बंद कर लो। गोपाल के हंसने की आवाज है ना? हाँ भैया, आज तो कमाल हो गया, जब से ये नर्स आई ना तब से मुन्ना यही हंस खेल रहा है। अच्छा, मुझे मां मत कहना बेटा, नर्स कहना, नहीं तो ये फिर तुझे मुझसे अलग कर देंगे। चुप है, आपने तो आते ही इस पे ऐसा जादू किया जैसे सचमुच इसे अपनी मां मिल गई। ये मेरा ही तो बेटा है। वाह, देखिए ना, आप भी तो एक औरत है जो दूसरों की औलाद को अपना बेटा समझ रही है। इसकी मां भी एक औरत थी, जिस बच्चे को उसका परिचय हो जाए तो उसे खुदकुशी करनी पड़ेगी। एक औलाद के लिए मां का परिचय सिर्फ मां होता है, उसके कर्म नहीं। हो सकता है कि वो बड़ा होकर अपने माँ के औरत होने की लाचारी समझ जाए। ऐसी औरतों से बड़ी हमदर्दी। तुम यहाँ कैसे? मेरा बेटा बीमार है। तुम्हारे लिए सिर्फ पति ही नहीं, तुम्हारा बेटा भी मर चुका है। चली जाओ यहाँ से। नहीं, नहीं। माँ को बेटे से अलग मत कर, ये निर्दोष है बेटा। ये निर्दोष, गोपाल निर्दोष, आप निर्दोष, सारी दुनिया निर्दोष। अगर दोष है तो सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। इस घर में सिर्फ एक आदमी रह सकता है, तुम्हारी बहू या तुम्हारा बेटा। Thank you.
गोपाल मेरे लाल। गोपाल दरवाजा खोल के चले आना। स्वामी जी, ये मेरा गोपाल है, बहुत बीमार है, कुछ हो ना जाए इस डर से मैं इसे चुपके से उठा लाई। उठा लाई? हाँ। शंकर से पूछा तक नहीं? नहीं, उन्होंने तो मुझे पहचानते ही निकाल दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने अच्छा किया या बुरा ये मैं नहीं जानती। अब किसी तरह मेरे गोपाल को बचा लीजिए, मेरे गोपाल को बचा लीजिए। अभी तुम इसे रूम नंबर 5 में ले जाओ, मैं अभी दवा लेकर आता हूं। लेट जाओ बेटा, स्वामी जी दवा लाते ही होंगे। मैं दवा नहीं पीऊंगी। क्यों? दादी माँ ने कहा था कि जिस बेटे के सर में माँ का हाथ हो तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। देखो मैं ठीक हो गया माँ। गोपाल, तुम्हारे गोपाल ने ठीक ही कहा है। ये लो दवा, इसे 2-2 घंटे बाद पिलाती रहना और ये पीठ पर मालिश करना, लेकिन इसे बचा के रखना, इसमें जहर है। बेटा अब सो जाओ। जन्म देने से ही मां बनने का अधिकार नहीं मिल जाता पार्वती, उसके लिए कर्म करने पड़ते। शंकर बाबू, मैं जानता हूं आप मेरी बात नहीं मानेंगे, फिर भी डॉक्टर होने के नाते मुझे कहना पड़ेगा कि मां के बिछड़ जाने से इस बच्चे के दिल में जो गम बैठ गया है वो इसकी जान भी ले सकता है। अगर ये मां के बिना नहीं जी सकता तो इसका भाग्य। शांत होकर फैसला कीजिए, ये बच्चे के जीवन का सवाल है। लेट मी गो। शंकर बाबू, मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है कि मैं इस हॉस्पिटल का इंचार्ज हूं, आप मेरी परमिशन के बिना इस हॉस्पिटल से किसी मरीज को ले नहीं जा सकते। आप चाहे तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बेहतर यह होगा आप कुछ दिनों के लिए इस बच्चे को यहां छोड़ जाइए, वरना यह बच्चा मर जाएगा। जिम्मेदारी आप लेंगे? मैं आपको वचन देता हूं, जैसे ही बच्चा अच्छा हो जाएगा मैं आपको खबर कर दूंगा, आप आकर इसे ले जाइए।
झगड़ा करते हैं? क्यों नहीं रहने देते हैं? आपने क्या किया है माँ? बोलो ना माँ, क्या किया है? बोलो ना माँ, क्या किया है? दवा पी माँ, मैं दवा पीऊंगा तो अच्छा हो जाऊंगा। हाँ बेटा। गोपाल माँ, मैं अच्छा हो जाऊंगा तो बाबू जी मुझे ले जाएंगे। माँ मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। माँ मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। माँ मैं तुम्हें लगता है बिल्कुल अच्छा हो गया जी। तो फिर मैं शंकर को खबर कर दूं? मैंने उसे वचन दिया है ना। इतनी जल्दी? कुछ दिन तो और। तुम तो माँ, ये आज भी गया तो भी तुम्हें उतना ही दुख होगा, और बरस बाद गया तो भी उतना ही। तो फिर मुझसे अविश्वासघात क्यों कराती हो? मैं टेलीफोन किया देता हूँ। के दिल में इस बात का बैठ जाना अच्छा नहीं। इस डर से तो यह कभी भी पूछ कर सकता है। क्या तुम मुझे अब भी रुकना चाहती हो? मैं अभी टेलीफोन किए देता हूं, कल सुबह वो आकर इसे ले जाएगा। सुन लिया ना? अब मैं शांत हुआ तेरा? देखना माँ, मैं बाबूजी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? कल सुबह होती हो तुझे ले जाएंगे, और दो चार रोज मेरे पास रह जाते तो क्या होता? बोल। नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा? नहीं 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 नहीं। खाऊंगी ही तो मैं अपनी जान दे दूंगी। भी नहीं करूंगा। तो फिर रख मेरे सर पे हाथ। बोल, कभी ऐसा नहीं करेगा? मैं कभी नहीं करूंगा। आ माँ, सो जा माँ, सो जा, सो जा। देखो ना कितना खून बह रहा है। ये घूम जाए तो सारे झंझट ही खत्म हो जाए। मैं पट्टी लाऊं? मत जा गोपाल, मुझे जी भर के देख लेने दे।
मैं यहाँ हूँ वो जान के है, जाने तुझे कितनी दूर ले जाए, तो फिर मैं तुझे कैसे देख पाऊंगी, कैसे मिलूंगी, तेरी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी गोपाल, क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी। चिंता मत करियो माता, दूर जो मैं हो जाऊंगा, चिंता मत करियो माता, दूर जो मैं हो जाऊंगा, तुझसे मिलने सबसे छुप के सपनों पार्वती।
पार्वती। माँ। पार्वती। पार्वती। कहाँ जा रहे हो? अस्पताल में माँ के पास। मेरा एक काम करोगी? हाँ। वहाँ पार्वती नाम की एक नर्स रहती है। वो तो मेरी माँ। माँ? तुम शंकर के बेटे हो? हाँ। देखो इतनी रात गए तुम्हें वहाँ कोई अंदर नहीं जाने देगा। वहाँ जाके अपनी माँ को आवाज दो, वो खुद तुमसे मिलने आएगी। हाँ चलो। से तुम नहीं आती, इसलिए मुझे बच्चे का सहारा लेना पड़ा। कहना क्या चाहते हो तुम? अपने आप की दुश्मन मत बनो पार्वती। आश्रम में पड़े रहने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम चाहो तो तुम्हारी एक हाँ पर मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख लौटा सकता हूं। मैं तुम जैसे आदमी के दिए हुए सुख पर थूकती हूं। अच्छा तो सुनो पार्वती, बड़ी मुश्किल से यह मौका हाथ आया है, इसकी कीमत तो चुकाओगी ना? प्रकाश पागल मत बनो पार्वती, वरना 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 मैं तुम्हारे बच्चे को इस पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। छोड़ दो मुझे। बंद
बंदूक चलानी आती है तुम्हें? माँ रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा प्रकाश, रुक जा प्रकाश। बेकार रो रही है माजी, गोपाल को पार्वती के सिवा और कोई नहीं ले जा सकता। आप इत्मीनान रखिए, मैं उसे अभी लेकर आया। ये बच्चा आपका? गोपाल। उस लड़की को पहचानते हैं आप? माँ। आप उससे अभी नहीं मिल सकती। क्यों? उसने अभी अभी प्रकाश नामी एक आदमी का खून कर दिया। खून किया? जी हाँ। लिया माँ जी, मैं माँ के पास जाऊंगा। सुन लिया बेटे, और मैं बहुत खुश हूँ। 6 साल पहले जो तुम्हें करना चाहिए था वो आज मेरी बहू ने कर दिखा। क्या मतलब? मतलब ये, मर्द होकर तुमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसने औरत होकर अपने माथे का कलंक उसके खून से धो डाला है। अब भी समय है शंकर, उसे बचाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। नहीं माँ जी, क्या आप चाहती मैं उस कलंकनी को बचाने के लिए अदालत में जाऊं? ये मुझसे नहीं होगा। बाबा जी माँ को बचालो, बाबा जी माँ को बचालो। माँ जी गोपाल को ले जाइए। पार्वती ने खून किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। मुर्दिमा पार्वती एक बच्चन लड़की है योर ऑनर। पहले इसने दौलत के लालच में शहर के एक रईस लड़के प्रकाश से मोहब्बत की, मगर इसकी बदकिस्मती कि वो शादीशुदा निकला और कोई रास्ता ना पाकर इसने एक होनहार वकील मिस्टर शंकर का हाथ थाम लिया और प्रकाश को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका खून कर डाला। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? अदालत फिर तुम्हें एक बार सफाई का मौका देती है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए वकील का भी इंतजाम किया जा सकता है। मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं, मैंने खून किया है, आप मुझे सजा दीजिए। योर ऑनर, एक बच्चन लड़की भरी अदालत में अपनी राम कहानी सुना भी कैसे सकती है? इससे ज्यादा और क्या कह सकती है कि मैंने खून किया है, मुझे सजा दीजिए। Your Honor, शायद मिस्टर प्रोसिक्यूटर भूल रहे हैं कि मुलजिमा का कह देना मैंने खून किया है सजा देने के लिए काफी नहीं, बल्कि सजा देने से पहले इस अदालत को जानना चाहिए कि मुलजिमा ने खून क्यों और किन हालात में किया। तो क्या आप मुलजिमा की वकालत करना चाहते हैं? जी। उस मुलजिमा की जिसे आपने एक दिन बदचलन समझकर घर से निकाल दिया था? मैंने देवता होने का कभी दावा नहीं किया, मैं एक इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है। तो क्या मुलजिमा ने वकालतनामे पर दस्तखत किए हैं? दस्तखत करो पार्वती, मुझे प्रायश्चित करने का मौका दो पार्वती। मां मां लिख दो ना, मां लिख दो ना, माँ लिख दो ना। ये कहानी आज से 6 साल पहले शुरू हुई थी, जबकि मुलजिमा के भाई ने इसकी शादी अपने साले नंदू से तय की। इसे मजबूरन अपना घर छोड़कर गांव जाना पड़ा। रास्ते में से प्रकाश मिला और स्टेशन ले जाने के बहाने इसे एक ऐसी जगह ले गया जहां दूर दूर तक कोई इसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। और उस रात को और इस तरह एक मर्द ने इस कमजोर लड़की पे अपनी पूरी ताकत आजमाई
और इसका सब कुछ लूट लिया। लेकिन इसके बावजूद भी इसने किसी से कोई शिकायत, कोई गिला नहीं किया और न बदला लेने की कोशिश की, बल्कि अपने आप को दोषी ठहरा के आत्महत्या करने के लिए चली गई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमा की आत्महत्या करने की वजह एक शादी है जो उसका भाई उसकी मर्जी के खिलाफ अपने साले नंदू से करना चाहता था। पहले मैं भी यही समझता था योर ऑनर, लेकिन गांव वाले जब उसे, जी हाँ, गांव वाले बेहोशी की हालत में मुल्जिमा को आश्रम में लाए थे। होश आने पर उसने मुझे बताया कि स्टेशन ले जाने के बहाने प्रकाश ने उसकी आबरू लूट ली। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। स्वामी जी ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। मुल्जिमा ने जो उनसे कहा उस पर उन्होंने विश्वास किया, क्योंकि उनका तो धर्म ही सब पर विश्वास करना है। लेकिन शादी की सालगिरह में सबके सामने प्रकाश ने कहा, जी हाँ मजिस्ट्रेट साहब, हम खुद सुने हैं। वो शादी की सालगिरह में कहा रहा, हम शादी से बहुत पहले अपना चुके हैं। योर ऑनर, मैं अदालत को इस गवाह के मुतालिक बता देना चाहता हूँ कि ये पहले पान बेचता था और इसके पिता मिस्टर शंकर के यहाँ बचपन से नौकर थे। ये बाप बेटा दोनों इसी घर की रोटियों पर पलते आए हैं। अब ये इनके हक में गवाही नहीं देंगे तो और कौन देगा? एविडेंस नॉट एक्सेप्टेड। इसके अलावा और कोई गवाह है आपके पास? आप मुझे समझाना क्या चाहती? तुम अपने पति को मुझसे ज्यादा जानती हो। अगर उन्होंने पार्वती के बारे में कोई बात कही हो, ये क्यों जानना चाहती हैं आप? अगर अदालत ये जान ले कि तुम्हारे पति की नजर पार्वती पर थी तो उसकी जान बच सकती है। आप चाहती हैं कि मैं अपने पति के विरुद्ध अदालत में जाऊं? हाँ, क्योंकि पार्वती भी तुम्हारी और मेरी तरह एक स्त्री है। उसे हत्या करनी होती तो वो उस वक्त करती जब उसका सर्वनाश हुआ। उस वक्त वो कुछ किए बिना खुद मरने चली गई। जिस लड़की का ऐसा चरित्र हो वो दूसरी की हत्या कैसे कर सकती है? हत्या उसने की या नहीं मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ ये जानती हूं कि मेरे पति की हत्या हुई, जिसका कारण पार्वती नहीं तुम्हारे पति थे। नहीं, दूसरों के सामने भले ही तुम न मानो लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे पति की नजर। माँ जी, ताप तो चांद में भी होता है, ग्रहण तो सूरज को भी लगता है, कूड़ा करकट गंगा में भी बहता है, तो क्या लोग उनकी पूजा करना छोड़ देते हैं? मैंने अपने पति को सिर्फ एक रूप में देखा है और वो है देवता का रूप। उसी रूप में मैं उनकी पूजा करती आई हूं और करती रहूंगी। उनके दूसरे रूप क्या थे मैं नहीं जानती और न जानना चाहूंगी। चाहिए चली जाइए। I'm sorry, Your Honor. मेरे पास और कोई गवाह नहीं है। फिर अदालत ये मानने के लिए तैयार नहीं कि प्रकाश ने मुल्जिमा की आबरू लूटी। सुनिए, आप कौन है? जिनका खून हुआ वो मेरे पति थे। मैं अदालत में बयान देना चाहती हूँ। इजाजत है। पाप छुपाना पाप करने के बराबर होता है, इसलिए मैं अदालत के सामने ये कहने पर मजबूर हूं कि मेरे पति इस लड़की पर बुरी नजर रखते थे। उन्होंने कई बार मेरे सामने इसकी सुंदरता की तारीफ की। जिस दिन मैंने पार्वती की आत्महत्या की खबर उन्हें दी तो वो कहने लगे सिर्फ इतनी सी बात पर। मैंने उनसे पूछा आप वजह जानते हैं, तो वो हंसते हुए चले गए। आज मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि इस लड़की की आबरू मेरे पति ने ही लूटी होगी। अगर मान भी लूं कि मुल्जिमा की आबरू प्रकाश के हाथों लूटी,
तो क्या मिस्टर शंकर अदालत को यह समझाना चाहते हैं कि मुल्जिमा ने 6 साल के बाद प्रकाश का खून करके अपनी बेइज्जती का बदला लिया? कानून की नजर में ऐसा करना भी जुर्म है। योर ऑनर, मुल्जिमा ने खून इसलिए नहीं किया बल्कि खून करने की वजह एक दूसरी मजबूरी है, वो है औलाद, जो माँ की जुदाई बर्दाश्त न करते हुए एक रात। मैं जा रहा था तो उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगा कि अपनी माँ को आवाज दो। मैंने आवाज दी तो मुझे लेकर भागने लगा और मेरी माँ भी पीछे भागी। वो मुझे एक पहाड़ी पर लेकर चले गया और मेरी माँ से कहने लगा कि मेरी बात को मानो नहीं तो मैं ये लड़के को फेंक दूंगा। वो मुझे फेंकने लगा और मैं चिल्लाया, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। मेरी माँ ने उसे गोली मार दी, वो मेरी जान बचाने के लिए गोली मार दी। मुझे सजा दो, मेरी माँ को सजा नहीं दो, मुझे सजा दो, मेरी माँ को सजा नहीं दो, मुझे सजा दो, मेरी माँ को सजा नहीं दो। श्रीमती सावित्री की गवाही से साफ जाहिर होता है कि मुल्जिमा की आबरू लूटी गई और गोपाल की गवाही से यह पता चलता है कि दोबारा इसकी आबरू लूटने के लिए इसके बच्चे का सहारा लिया गया। और साथ ही साथ इस अदालत को यह भी तस्लीम करना पड़ेगा कि हर औरत को अपनी आबरू बचाने का हक, हर मां को अपने बच्चे की जान बचाने का हक है। अगर अपनी आबरू और बच्चे की जान बचाने में किसी की जान चली गई तो इसमें इसका कोई दोष नहीं, इसका दोष यह है, ये एक औरत है, कमजोर, लाचार, बेबस औरत, जिसके साथ हर मर्द का पहला परिचय मां के रूप में होता है। वही मर्द एक दिन अपनी ताकत के बलबूते पर इसकी इज्जत लूटता है, दूसरा इसे घर से निकाल देता है, तीसरा कानून का सहारा लेकर मर्द की अदालत में घसीट लाता है जहां दूसरे मर्द इसे मुजरिम समझकर सजा देना चाहते हैं। इसे सजा देने से पहले एक ऐसा समाज बनाइए, ऐसा कानून बनाइए, ऐसी अदालतें बनाइए जो औरत की कमजोरी को महसूस कर सके, ताकि कभी कोई प्रकाश किसी पार्वती पर अत्याचार न करे, और कभी ऐसा हो भी जाए तो उसे घर से निकालने के बजाय अपने सीने से लगा ले। योर ऑनर, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है, इंसाफ आपके हाथ में है, इंसाफ कीजिए। फैसला कल सुनाया जाएगा। गवाहों के बयानात से यह साबित होता है कि मुल्जिमा पार्वती ने खून करने की नीयत से यह खून नहीं किया बल्कि अपनी आबरू और बच्चे की जान बचाने के लिए यह खून उससे हो गया है। इसलिए मैं मुल्जिमा पार्वती वल्ल रामलाल को बेकसूर समझते हुए रिहा करता हूं। मुझे माफ नहीं करूंगी।